हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 107 एंड 108 एंड 109 एंड 110 इवेंचुअली। 107 और 108 पे जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ कहाँ दिया हुआ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कहाँ दिया हुआ है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ दिया हुआ है 107 में और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 108 में दिया हुआ है। 107 सिंपल ये बात बोलता है कि अगर क्वेश्चन आता है केस में कि ये एक पर्टिकुलर इंसान जिंदा है या मर चुका है, और अगर एक पार्टी प्रूफ कर देती है कि लास्ट 30 इयर्स में ये जिंदा था, ठीक है, मान लीजिए घर का कोई एक मुखिया है जो तीर्थ पे निकल गया, ठीक है, और तीर्थ पे निकले हुए उसे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कोई रैंडम बंदा उठ के आया, कहते अरे ये साहब तो नहीं रहे क्योंकि इन्होंने हमें विल में अपनी प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है। अब ये जो बंदा गया है तीर्थ पे, उसके घर वाले आते हैं कि नहीं ही इज़ नॉट डेड, क्योंकि विल तो तभी आएगी ना जब आप उसको जो टेस्टेटर है वो मर जाएगा, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ही ज़िंदा है, और वो ये बता देते हैं कि विद इन 30 ईयर्स फ्रॉम द डे ही वेंट ही इज़ अलाइव, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रिजम्पशन है लाइफ का, तो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी कि नहीं ही इज़ अलाइव। अब दिस इज जस्ट प्रिजम्पशन, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ कोर्स। सो द पर्सन हु इज गेटिंग द विल हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ, हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट दिस मैन इज डेड। अब हाउ ही प्रूव्स इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट या कोई पिक्चर या वट एवर द केस में भी। और प्लीज़ माइंड यू, विल को प्रूव करना भी एक अलग ही टास्क है ना, उसमें अटेस्टिंग विटनेस लगते हैं, मैंडेटरी है। और अगर आप 68 पढ़ेंगे तो उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ विल लिखा हुआ है, विच इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ऑल राइट, सो दिस सिंपली सेज दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑफ कोर्स रिबटेबल प्रिजम्पशन, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 107 की जो भाषा है वो ये बोलता है कि वेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज शोन, है ना, एंड इट इज शोन that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it, है ना। जो बोल रहा है कि नहीं ये dead है, उसकी responsibility है, ठीक है, प्रूव कर लो। क्यों? क्योंकि एक presumption है लाइफ के फेवर में। अच्छा, now you have to tell me what is the difference between shown and prove, क्या कोई difference है दोनों में? Okay, now coming टू 108, देखो 107 108 ना दोनों ही एक कॉइन के दो पहलू हैं। 108 डेथ का प्रिजम्पशन करता है, वो ये बोलता है कि अगर क्वेश्चन है कि कोई बंदा जिंदा है या मर गया है और 7 साल तक उसके बारे में किसी को अता पता नहीं है, स्पेशली उन लोगों को जिनको उसके बारे में पता होना चाहिए या अदरवाइज होगा, देन इफ इट इज शोन दैट दिस पर्सन वॉज नॉट हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स by those who would have not naturally known him or naturally known about him, then it is presumed that he is dead, theek hai। Now yahan there is a presumption of death, sabse zyada confusion yahi hota hai ki presumption of life kaun se section mein, presumption of death kaun se section mein, kyunki mains mein bhi generally question aise hi aa jata hai, write a short note on presumption of death, theek hai। To aap apne jingles bana sakte ho aur jingles hi bana ke help hota hai, jaise maine jab इसको समझा था 7 मतलब 7 फेरे, ठीक है, 7 तो जन्म, तो वो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ हो जाता है, 8 इज लाइक उल्टा इन्फिनिटी, डेथ एंड इटर्निटी, समथिंग लाइक दैट यू कैन मेक ऑफ योर ओन। ओके, तो अब 107 और 108 को कैसे कनेक्ट करोगे? अब जैसे ये बंदा जो तीर्थ पे निकल गया है ना, मैं बोल रहा वो तीर्थ पे निकल तो गया, उसकी फैमिली ने प्रूव भी कर दिया कि 30 साल within 30 years he was alive, ठीक है, but जिसने जो will claim कर रहा है वो बोल रहा है कि साहब 7 साल तक तो ये किसी ने नहीं देखा इसको, घर वालों से भी पूछो, ठीक है, for last 7 years nobody knew where he was। तो then अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि 7 साल में किसी ने उसको नहीं देखा, then the presumption shifts and then it is shifted to the person who is affirming the fact that he is alive, okay? तो 107 और 108 में क्या है, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 107 एंड 108 हैज़ टू बी रेड टुगेदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। एज पर सेक्शन 107, इफ अ पार्टी इज एबल टू प्रूव दैट द पर्सन
concerned was alive within the last 30 years, then of course the court will presume that he's alive. And the burden of proving his death would shift upon whom? The opposite party. But 108 के अंडर अगर opposite party ये प्रूफ कर देती है कि 7 साल तक किसी ने उसके बारे में उसके वेयर अबाउट्स को नहीं जाना, then it will be presumed that he is dead and the burden of proving him to be alive would shift upon the opposite party. Okay, 109 एक अलग कॉन्सेप्ट है. 109 एक प्रिजम्पशन पे, ये ना एक एक्चुअली एस्टॉपल पे बेस्ड है ये डॉक्ट्रिन. कि क्या होता है कि जब आप कोई टेनेंसी स्टार्ट करते हो या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में आप उसके टाइटल को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिज्यूम किया जाता है कि तुमने एक डिक्लेरेशन दी है कि हाँ तुम मेरे लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, है ना. फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं यू आर नॉट माय टेनेंट और यू आर नॉट माय लैंडलॉर्ड. सो देयर इज़ अ प्रिजम्पशन, देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशंस विद रिस्पेक्ट टू सच रिलेशनशिप्स. हाँ, कि ऐसे रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. जैसे मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस है, लैंडलॉर्ड बोल रहा है ये मेरा टेनेंट नहीं है, टेनेंट बोल रहा है कि मैं हूँ टेनेंट, और वो प्रूव भी कर देता है कि ही इज़ बिन एक्टिंग एज अ टेनेंट, ठीक है. रेंट अग्रीमेंट दिखा दिया या रेंट पे करते हैं जो उसकी रिसीट दिखा दी, आजकल तो पेटीएम चलता है, स्क्रीनशॉट दिखा दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि लाइन लिखा है एंड इट हैज़ बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच. तो ये प्रिजम्पशन होगा दैट ही इज़ द टेनेंट. अब बोलोगे मैम तो फिर क्या मतलब है, अगर वो तो है ही टेनेंट ही, अगर वो सब कुछ प्रूव कर दे रहा है. कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मैनेजर, ठीक है, कोचिंग सेंटर का एक मैनेजर है, जो मैं प्रिंसिपल हूँ, वो मेरा एजेंट है, वो सारे एडमिशंस देखता है, बट ग्रेजुअली ही स्टार्टेड मेकिंग हिज ओन प्रॉफिट एंड दैट टू बाय अनलॉफुल मीन्स, है ना. बच्चों को बोलने लगा कि नहीं डिस्काउंट है मैं दूंगा, वट एवर द केस में भी. नाउ ही इज़ असर्टिंग दैट ही इज़ द एजेंट, क्योंकि कुछ भी कल की डेट में गलत होता है तो इफ़ आई एम द प्रिंसिपल आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट. क्योंकि आपने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप देखा है कि प्रिंसिपल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी, जो भी उसका एजेंट करता है. सो नाउ एजेंट इज सेइंग दैट नो आई एम हिज एजेंट, आई एम हर एजेंट, आई एम सेइंग नो ही इज़ नॉट माई एजेंट, क्योंकि मैंने तो उसको निकाल दिया था. नाउ ही इज़ असर्टिंग दिस फैक्ट, है ना. अपनी सैलरी से भी दिखा रहा है कि मैं कुछ टाइम तक तो ऐसे एक्ट कर ही रहा था, है ना, और इस पर्टिकुलर टाइम तक मैं एजेंट था. तो थोड़ा भी अगर वो दिखा देता है कि हाँ वो एक एजेंट की तरह रह रहा था, तो प्रिजम्पशन उसके फेवर में टिल्ट हो जाएगा. अब मुझे ये प्रूव करना है कि नहीं नहीं भले ही वो 2020 तक था एजेंट जो वो स्लिप दिखा रहा है, मैं समझती हूँ, बट मैंने 2020 के बाद उसको निकाल दिया. क्यों? क्योंकि उसने ये हरकत करी, और फिर देन आई हैव टू प्रूव इट. कैसे प्रूव करूँगी? विटनेस लाऊँगी, जो भी इंसिडेंट हुए स्टूडेंट्स के साथ, अगर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी किया है, तो देन आई विल हैव टू प्रूव इट अकॉर्डिंगली. सो द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट द एजेंसी हैज़ बीन सीज्ड इज ऑन मी. ओके, तो बस ये सिंपली ये बात बोल रहा है. प्रिंसिपल एजेंट हो गया, लैंड और टेनेंट हो गया, इनके बीच का एक रिश्ता होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, है ना, जिसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रिजम्पशन हमेशा होता है कि दे हैव बीन एक्टिंग इन सच अ रिलेशनशिप. और स्टार्टिंग में ही जब भी आप एक इस रिलेशनशिप में आते हो लैंड और टेनेंट या प्रिंसिपल एजेंट के, तो प्रिंसिपल या एजेंट डिक्लेयर करता है, एक इम्प्लाइड डिक्लेरेशन होती है कि येस यू आर माई टेनेंट, और फिर आप उसके टाइटल को क्वेश्चन नहीं कर सकते. सो कई बार क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल कहाँ दिया हुआ है, तो 109 इज एक्चुअली इम्प्लाइडली बेस्ड ऑन दिस डॉक्ट्रिन. ओके, नाउ देयर कम्स 110 सेक्शन, सेक्शन 110 विच इज़ अबाउट ओनरशिप. देखो, जूर स्टूडेंट्स पढ़ा होगा आपने, देखा होगा ओनरशिप के कितने सारे मीनिंग होते हैं. कुछ लोग पोजेशन को ही ओनरशिप मानते हैं, सालमेंट के हिसाब से पोजेशन भी होना चाहिए और एनिमस भी होना चाहिए, मतलब इंटेंशन टू होल्ड होना चाहिए. कुछ कहते हैं इंटेंशन टू एक्सक्लूड अदर पर्सन होना चाहिए, है ना, पावर टू एक्सक्लूड अदर पर्सन होना चाहिए. सो देर आर सर्टेन थिंग्स. नाउ ओनरशिप, पोजेशन इज 9/10 ऑफ ओनरशिप, है ना, तो कंट्रोल हमेशा पोजेशन के फेवर में ही प्रज्यूम किया जाएगा. तो अगर तुम्हारे पोजेशन में कोई चीज़ है और तुम बोल रहे हो कि तुम हो उसके ओनर, तो ये प्रज्यूम किया जाएगा कि तुम हो ओनर. अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं ये ओनर नहीं है, इसने तो डिस्पोजेस किया है मुझे, मेरी प्रॉपर्टी रख ली है, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट आई हैव बीन डिस्पोजेस्ड, आई एम द ओनर इज ऑन मी, है ना. तो 110 टॉक्स नथिंग बट बर्डन ऑफ प्रूविंग द ओनरशिप.
और द टिल्ट ऑफ द कोर्ट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी. ओके, सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. एक 110 में मैं आपको बता देती हूँ रीड करके, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. इसमें लिखा है when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession. अब anything लिखा है तो यहाँ मूवेबल और इमूवेबल दोनों आएगा, है ना. of which he is shown to be in possession. possession मतलब actual possession, actual physical possession की बात हो रही है यहाँ पे. the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. ठीक है, बस as simple as that. तो ये हो गया आपके burden of proof. 111 थोड़ा सा ट्रिकी है. वी विल डिस्कस दिस. 111 को हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कनेक्ट करके पढ़ना है.